नमस्कार दोस्तों, हमारा शेडोल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सिंहपुर ग्राम। सिंहपुर शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यह NH 43 हाईवे पर स्थित है। तो आइए चलते हैं सिंहपुर गाँव। और अभी हम निकल चुके हैं शहडोल से और अभी हम जा रहे हैं पूर्णा नाला की ओर। पूर्णा नाला से आप सिंहपुर के लिए रोड पकड़ सकते हैं। बता दूं यह नेशनल हाईवे 43 है। यहाँ से आप रायपुर जा सकते हैं, बिलासपुर जा सकते हैं, अमरकंटक जा सकते हैं, जबलपुर जा सकते हैं और भी कई जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और देख सकते हैं कितना हरा भरा है। रात को बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई है और मौसम भी अभी बहुत खुशनुमा बना हुआ है। धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले आवागमन के लिए और गाड़ी चलने की जो ज़रूरत है वो है ईंधन। तो हम पहले पेट्रोल भरा लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ का पेट्रोल पंप है, पूर्णा नाला के समीप ही खुला हुआ है। बहुत अच्छा है यहाँ पे लोकेशन यहाँ का। और चलिए पहले हम पेट्रोल भरा लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पेट्रोल हमने ले लिया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये स्थान पहले भी आप देख चुके हैं शहडोल अनलॉक वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। और यहाँ पे अब हम पहुँच रहे हैं पूर्णा नाला की ओर। और ये रेलवे का बनाया हुआ है बैरिकेड टाइप का कि बहुत ज़्यादा भारी वाहन यहाँ से क्रॉस ना करे, लिमिट में ही क्षमता अनुसार जो है वो निकल जाए। और अभी देख सकते हैं यहाँ पानी भी भरा हुआ है क्योंकि 3-4 दिन के अंतराल में काफ़ी बारिश हुई है यहाँ। हालांकि यहाँ पे रुकने वाली कोई समस्या नहीं है, कहीं पे गड्ढे वगैरह नहीं है क्योंकि सीसी रोड बनी हुई है और आराम से आप निकल सकते हैं। पानी भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वाहन फंस जाए और आराम से व्यक्ति निकल जाता है यहाँ से। और राइट साइड से आप जाएंगे तो यहाँ भुईबान जा सकते हैं जैसे कि हमने गए थे। और अब हम लेफ्ट साइड मुड़ रहे हैं, यहाँ से हम सिंहपुर रोड पकड़ लिए हैं। और नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ की रोड बना दी गई है और बहुत अच्छी रोड बन गई है। अभी आगे चल के देखेंगे, बहुत सुंदर रोड है यहाँ की, बिल्कुल आप कह सकते हैं मक्खन जैसी रोड जिसे बोलते हैं लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में। और चारों तरफ देख सकते हैं रोड के दोनों ओर बहुत ही हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं क्योंकि बारिश का समय है। और हालांकि मैं निवेदन करूँगा जब भी लोग इस रोड से जाते हैं तो बहुत तेज़ वाहन ना चलाएँ क्योंकि क्या होता है बारिश का समय होने के कारण कुछ जीव जंतु जैसे सांप, बिच्छू, नेवला इत्यादि यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं और वो बेचारे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा आराम से ही गाड़ी चलाएं, इससे आप भी बचेंगे, दुर्घटना नहीं होगी और किसी और को भी हानि नहीं पहुँचेगी। और अब हम बढ़ रहे हैं, सिंहपुर रोड में चल रहे हैं और सिंहपुर पहुँचेंगे कुछ समय बाद। और यहीं बगल में अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ रेलवे लाइन है जो कि कटनी बिलासपुर मुख्य मार्ग है, रेल रूट है यहाँ का। और कुछ खेत खलिहान भी हैं अगल बगल में, खेती वगैरह भी होती है। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक मालगाड़ी क्रॉस कर रही है अभी। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेन अभी नहीं चल रही, यात्री गाड़ी गिनी चुनी चल रही, वो भी स्पेशल ट्रेन के नाम पर। शायद उसकी बुकिंग भी 1-2 दिन पहले करवानी पड़ती होगी, ऑन स्पॉट आपको टिकट नहीं मिलेगा उनमें चलने के लिए। बता दूं आज रविवार का दिन है और पिछले रविवार तक मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू रहता था जिसके कारण लॉकडाउन हम कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए आवागमन जो है प्रतिबंधित रहता था। किंतु आज दिनांक 27 जून 2021 से संडे का जो है लॉकडाउन वो ख़त्म कर दिया गया है और आवागमन वगैरह और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो खुले रहने के आदेश आ गए हैं। लॉकडाउन भले ही समाप्त कर दिया गया लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक यथावत रहेगा। और यहाँ देखिए कुछ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, इमली का पेड़ है और कुछ निर्माणाधीन मकान वगैरह भी बन रहे हैं और लोगों का आना जाना भी बना हुआ है, कंटिन्यू लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहीं से कुछ दूरी पर अभी आपको मैं दिखलाऊँगा पचगाँव के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ से एक रोड निकलती है कुछ दूर पे आप देखेंगे और ये एक बहुत बड़ा ट्रक जा रहा है और यहाँ से ज़्यादातर ट्रक वगैरह जाते हैं जो कि छत्तीसगढ़ वगैरह से आते हैं, माल ढुलाई करते हैं। उन्हें ये आसान पड़ता है, ये रूट रोड अच्छी है और समय की बचत होती, सबसे बड़ी बात समय की बहुत बचत होती उनके लिए। और ये देखिए ये भी एक गाँव है और बहुत ही
सुंदर नज़ारा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ आगे चल के एक गोडाउन दिख रहा है आपको, वेयर हाउस दिख रहा है हमें। और लेफ्ट साइड में स्कूल निकल गया, स्कूल तो अभी बंद है, पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे। और कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसा कह रहे हैं लोग। शायद इस वजह से स्कूल खोलने के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था, ये देखिए, ये पचगांव रोड है, यहाँ से आप पचगांव जा सकते हैं, कंकाली मंदिर जा सकते हैं, बहुत ही पास में। यहाँ से पचगांव अधिकतम 6 या 7 किलोमीटर दूर होगा, बहुत ज़्यादा। खैर, अभी हम पचगांव तो नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सिंहपुर की ओर, तो हम सिंहपुर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये मोड़ है यहाँ का, ये शायद ये जोधपुर गाँव पड़ता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, मैं ज़रूर किसी से पूछ के आपको क्लियर करूँगा। और अभी हम बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे और हम हरा भरा वातावरण देखेंगे। और अभी हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए बगल में ये बहुत सुंदर ये बीज भंडार या कुछ बना हुआ ऐसा ही कुछ। और यहाँ प्लाटिंग वगैरह भी हो रही है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो आने वाले समय में हो सकता है ऐसा दृश्य आपको दोबारा देखने को ना मिले एक आध साल बाद। यहाँ कुछ बड़े बड़े कॉलोनी या बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई ज़रूर आपको दिखाई देगी। और देख सकते हैं दूर दूर तक प्लाटिंग हो रही है यहाँ पर, क्योंकि शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है, शहडोल शहर का अब वो सीमित नहीं रह गया है। अब गांव की ओर भी लोग रुक कर रहे हैं, वहाँ मकान खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। और आने वाले हो सकता है 5 साल बाद शहडोल का दृश्य ही आपको अलग दिखाई दे, जो हम कह सकते हैं कि मेट्रो सिटी की दौड़ में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मिनी मेट्रो सिटी की दौड़ में ज़रूर शामिल हो जाएगा ये शहर। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ लेफ्ट साइड से ये जो रोड गई है, यहाँ से आप जंगलों के भीतर से होते हुए नरगी गांव जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन सिंहपुर जा सकते हैं। और अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड में तालाब है, हालांकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं है इस बार। और चारों ओर बांस के पेड़ लगे हुए हैं बहुतायत में इस क्षेत्र में। मैं जब भी सिंहपुर जाता हूँ तो बता दूँ, खासकर बारिश के मौसम में, तो ये जहाँ पर भी हम चल रहे हैं ये व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आकर्षित करता है। पता नहीं आप लोगों को जैसा भी लगे, लेकिन मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है ये जगह स्थान, क्योंकि दोनों ओर हरे भरे पेड़ हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और अब हम आपको दिखाएंगे ये जो राइट साइड में स्वागत द्वार बना हुआ है, यहाँ से आप ऐताझर ग्राम जा सकते हैं। और यहाँ पे बस का स्टॉपेज होता है, जो यहाँ से बसें निकलती है सिंहपुर इत्यादि के लिए, तो यहाँ बस रुकती है, ये अपन छोटा सा मिनी स्टॉप कह सकते हैं बसों का। तो अब हम बढ़ रहे हैं सिंहपुर की ओर, और कुछ ही दूरी पर सिंहपुर गाँव आ जाएगा, क्षमा कीजिएगा सिंहपुर कस्बा आ जाएगा, गांव तो नहीं रह गया वो। सिंहपुर रूट पे जिला मुख्यालय से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत कम है, जिससे कि थोड़ा तकलीफ़ भी होती है लोगों को, बसेस की सुविधा बहुत कम है अपेक्षाकृत। जैसे कि बुढ़ार रूट पे काफ़ी बसेस हैं, यहाँ पे बसेस गिनती की चलती हैं सुबह शाम वगैरह वगैरह, और इस वजह से आवागमन में लोग ज़्यादातर स्वयं का साधन उपयोग करते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण जो हैं वो मोटरसाइकिल में, कार में, और कई तो साइकिल से आज भी अप डाउन करते हैं सिंहपुर से। हम भी जब छोटे थे स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो कई बार सिंहपुर साइकिल से ही आ जाया करते थे, और उस समय उत्साह भी बहुत था लोगों में, कई सारे मित्र थे, तो आज सिंहपुर चलना है तो आज यहाँ चलना है,
उस समय मोटरसाइकिल तो अमूमन हुआ नहीं करती थी, एक आध मित्रों के पास स्कूटर ज़रूर रहा करती थी, वो भी बजाज सुपर और बजाज चेतक जो चला करती थी उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग ज़्यादातर साइकिल से ही इधर उधर घूमा करते थे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, और अभी फ़िलहाल तो इस नाम पे ऑटो भर उपलब्ध है, यहाँ पे ऑटो काफ़ी संख्या में अब यहाँ चलने लगे हैं, शहडोल से सिंहपुर तक और आगे भी बोड़री गांव पड़ता है, मिठौरी गांव पड़ता है, इधर पूरे जगह ऑटो ज़्यादातर चलते हैं। और अभी हम जहाँ चल रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में मैं एक कॉलोनी हमेशा देखता रहा, हमेशा सोचता रहा ये क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सेंट्रल माइंड डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन की ये कॉलोनी है। ये काफ़ी समय से यहाँ पे कॉलोनी है और यहाँ संबंधित जन यहाँ पे निवास करते हैं। और अब हम यहाँ पहुँच रहे हैं पड़मनिया खुर्द, यही सिंहपुर से लगा हुआ गाँव है पड़मनिया खुर्द। और यहाँ पड़मनिया खुर्द की बात करूँ तो यहाँ चारों तरफ आम के बगीचे बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, और रास्ते पे कुछ दुकान वगैरह भी है, चाय नाश्ते की भी है और किराने वगैरह की दुकान भी है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा सिंहपुर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, मान लीजिए 2.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता ही होगा। और ये देखिए आम के बगीचे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये चाय नाश्ते की दुकान निकल गई लेफ्ट साइड में, और कुछ ही दूरी पर सिंहपुर स्थित है। अमूमन सिंहपुर और आसपास के जो गांव है वहां के लोग मुख्य बाज़ार करने मुख्यतः शहडोल आते हैं और वहां से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर चले जाते हैं। और बता दूं कि सिंहपुर में भी मार्केट है, लेकिन जो थोक व्यवसायी हैं वो शहडोल में है, और शहडोल से ही वो ले जाके फिर यहां पे अपना फुटकर रूप में विक्रय करते हैं। बहुत ही अच्छा गाँव है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं और बड़े मिलनसार लोग हैं सिंहपुर के। और आसपास सिंहपुर के एरिए में खेती किसानी बहुतायत में होती है, जिसमें मुख्यतः गेहूं की जो फसल है वो ज़्यादा बोई जाती है। और सिंहपुर के आगे फिर यहीं से आपको बताऊंगा कि और भी कई स्थान जा सकते हैं। और एक बार मैं पुनः है आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, कोविड का टीका नहीं लगवाया है, वो कृपया टीकाकरण अवश्य करवा लें, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता टीका है, जो कि आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो मैं समझता हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो अवश्य ही कोविड का टीका लगवाएंगे, और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, आम के पेड़ दोनों साइड हैं और कुछ खेत खलिहान भी अगल बगल दिख रहे हैं। और अब हम सिंहपुर में प्रवेश कर चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, इस मंदिर का मैं अलग से वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सिंहपुर की ओर, जय माता दी। और अब देख सकते हैं यहाँ से सिंहपुर की सीमा शुरू हो जाती है और हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भी चारों ओर हरी भरी पेड़ वगैरह दिख रहे हैं रोड के दोनों ओर, और देखते हैं आगे क्या कैसा चल रहा है। और यहीं पास में ही यहाँ सिंहपुर का छोटा सा बस स्टैंड भी है, वो भी मैं आप लोग को दिखलाऊंगा। और ये यहाँ देखिए सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं सिंहपुर में। मैंने बताया था यहाँ पे लोगों का आवागमन व्यक्तिगत वाहन से ज़्यादा रहता है। और ये देखिए यहाँ पे कोई सीमेंट की दुकान बड़ी सी दिख रही है, और ठीक इसके आगे दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, और यहाँ भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये सिंहपुर अपना जो कस्बा है बिल्कुल शहडोल से लगा हुआ है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये सिंहपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और बता दूं कि ये भी बहुत ही अच्छा अस्पताल है यहाँ का, आसपास के जितने भी ग्रामीण जन हैं स्वास्थ्य लाभ लेने यहाँ आते रहते हैं। और अब हम पहुँचने वाले हैं बस स्टैंड के पास में, ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये यहीं बस रुका करती है ज़्यादातर इसी मोड़ पे, और यहाँ ये दुकानें वगैरह हैं और कई कियोस्क सेंटर भी यहाँ पे संचालित होते हैं। मतलब आपको एटीएम जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप जो एटीएम ऑपरेट करना नहीं जानता है तो वो कियोस्क सेंटर से पैसे वगैरह निकलवा सकता है। हालांकि यहाँ पे एसबीआई का एटीएम है यहाँ पे सिंगपुर में, और ये यहाँ पे भी देखिए दुकानें वगैरह संचालित है, होटल्स वगैरह हैं, चाय नाश्ते की दुकानें हैं। तो आसपास के ग्रामीणों को शहडोल रोज़ नहीं आना पड़ता है सामान वगैरह लेने के लिए, वो सिंगपुर से ही कलेक्ट कर लेते हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक और तिराहा आता है, इस तिराहे से जो है तो हम बुढ़ार जा सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा ये तिराहा, यहाँ से आप बुढ़ार जा सकते हैं, बोड़री जा सकते हैं, चिरहटी जा सकते हैं, और भी कई स्थान हैं, नरगी वगैरह जा सकते हैं। और अब हम सिंगपुर से थोड़ा आगे निकल आए हैं, और मैं आपको दिखलाना चाहूँगा यहाँ पे आगे एक बंधा है। बंधा मतलब एक स्टाफ डैम टाइप का होता है, मिठौरी बंधा के नाम से यह फेमस है, वो दिखलाने के लिए मैं यहाँ पे आपको ले जा रहा हूँ। और देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है, मतलब इसका वर्णन नहीं कर सकते, रोमांचकारी, अद्भुत, बिल्कुल बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। दोनों ओर नीलगिरी, महुआ और तरह तरह के वृक्ष लगे हैं, और बारिश में तो क्या कहने, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ। हालांकि गर्मी में आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा, बहुत ही उजाड़ उजाड़ सा लगेगा। और अभी हम पहुंच गए हैं मिठौरी तिराहा के पास, और ये जो सड़क जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए, ये आप यहाँ से मिठौरी गांव जा सकते हैं। काफ़ी लोग हैं मिठौरी के, हमारे मित्र वगैरह जो डेली अप डाउन करते हैं शहडोल के लिए। और अब बस कुछ ही दूरी पे मिठौरी बंधा दिखेगा, देखते हैं वहाँ कितना पानी वगैरह है कि नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं मिठौरी बंधा में, ये जो पुल है मिठौरी बंधा का ही है, ये देखते हैं कितना क्या कैसा है। और यहाँ देख के तो लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह होगा, तो देखते हैं क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं, लेकिन वो जो दूर में दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर। और इसका उपयोग हालाँकि सिंचाई वगैरह के लिए किया जाता है इस पानी का उपयोग। और इधर भी देखिए शांत वातावरण है, और दूर पर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, वो जो आप देख सकते हैं। ये भी हम नेशनल हाईवे 43 में खड़े हैं, और यहीं से आप जो है, और आपको बताना चाहूँगा इसी रूट पे आगे एक बहुत सुंदर घाटी पड़ती है, सरई घाटी, और काफ़ी अच्छी और सुंदर घाटी है, मनमोहक है, और बारिश के समय में वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे रहते हैं। तो वहाँ का वीडियो भी मैं आपको ज़रूर दिखलाऊँगा, क्योंकि आज समय अभाव है इसलिए मैं वहाँ का वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, और भविष्य में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा वो। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये जो मंदिर है, ये मंदिर दिखला रहा हूँ, ये सिंगपुर स्थित पचमठा मंदिर है। और इसका मैं जैसा कि बताया कि आपको अलग से वीडियो ज़रूर दिखलाऊँगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ अभी हम मंदिर के पीछे खड़े हैं, बहुत ही सुंदर जगह है ये, और बड़ा ही शांत वातावरण है यहाँ का भी। और यही मंदिर के ठीक बगल में राइट हैंड साइड में एक तालाब भी है, बहुत सारे कमल के फूल उसमें लगे हुए हैं, और चूँकि बारिश हुई है तो ये तालाब भी लबालब भरा हुआ है, देखिए कितना ज़्यादा पानी है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ देखकर। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और बने रहे हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ। और जय हिंद, जय भारत।